हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस अपडेट। तेजस्वी को नीतीश का अपमान करना पड़ा भारी। नीतीश कुमार तेजस्वी, कुछ न्यूज़ आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो मेरे ख्याल से वापस बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे पूरी समझ नहीं आई बात क्या चल रही है। फिर मैं पापा के साथ बात कर रही थी, तब मैं कुछ वो न्यूज़ सुनते रहते ना, तो पूरा जब मैंने देखा टीवी में, अच्छा न्यूज़ सुन रहे हैं, तो पापा ने बताया कि ये चल रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे उससे मुझे पता चला कि पहले वो बीजेपी में था, फिर बीजेपी को बीच में ही छोड़कर उसने, यही नीतीश कुमार, पहले बीजेपी और इन लोगों ने मिलकर बनाई थी, उसके बाद ये छोड़ के चला गया उसके साथ, वो क्या नाम है, लालू प्रसाद, हाँ उसके साथ, और उसके बाद अब वो फिर से ये कह रहे हैं कि ये शायद वापस बीजेपी में आने वाले हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। पर मैं पता किस बात पे शॉक हुई थी, पर पापा तो मुझे बोल रहे थे कि नहीं ये अच्छा काम करता है। वही मैंने पापा से पूछा, तो उसके बाद मेरी बात ही नहीं आगे बढ़ी क्योंकि कुछ और ही बात होने लगी, तो मुझे पता नहीं चला। कमेंट्स कहते हैं बाकियों से तो बेटर था उससे, कुछ पता नहीं ऐसा भैया बिहार में जो हालत है उसे देख के। मुझे तो नहीं, मैंने फिर पापा से बात कर रही थी मैं, फिर बीच में कुछ और ही हो गया, पता नहीं क्या, क्यों आगे बात ही नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर बिहार की इतनी बुरी हालत क्यों है, तो उसके बाद वो हुई ही नहीं आगे बात। बाद में फिर से पूछूंगी कि उनका क्या थॉट्स थे या क्या था जिससे पता चले कि वो किस वजह से कह रहे थे, कि वो कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मैंने कंपैरेटिव से आप कुछ नहीं कह सकते कि ये बुरा है, ये महाबुरा, अच्छा, ये बुरा, ऐसे नहीं होता। यू नीड अ गुड पर्सन। जब लास्ट इलेक्शंस हुए थे बीजेपी ज्यादा जीती थी, वोट पर पहले ही डील हुई हुई थी कि अगर जीतेंगे तो इसको बनाएंगे नीतीश को, तो इसलिए बीजेपी ने इसको बनाया था, फिर पता नहीं क्या लफड़े हुए उसके बाद। आई डोंट मतलब जो भी है, बिहार की हालत खराब है, जो भी इतने समय से उसका लीडर था उसने अच्छा काम नहीं किया। हमें तो यही लगता है, मैंने कहा हमने तो जितनी वीडियोस देखी जो है बुरा हाल किया है, उसके बावजूद बुरा हाल है वो अच्छा नहीं। और साथ में मुझे तो वो कमेंट याद है जो वहां पे संसद में इतना गंदा एक इंसान बोले, वो कैसा सोच का और क्या होगा, उसको तो मैं कभी भी ना वोट दूं जिंदगी में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो गठबंधन में बेचैन है नीतीश कुमार। आप देखिए 2013 में एनडीए से अलग हुए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनको पसंद नहीं थे, थोड़ा विवाद भी हुआ था उस वक्त पर। 2017 में एनडीए में, अब 2015 भी दिखाई है ना, 2017 कहां पहुंच गया। 2015 में कांग्रेस आरजेडी के साथ उनका महागठबंधन हुआ, जीते वो चुनाव, लेकिन बाद में 2015 के बाद 2018 में फिर गलत दिखाया आपने बॉस। क्या दिखाया? नहीं, बीच का दिखाया। 2018 में वो आ गए थे फिर एनडीए में, उसके बाद 2022 में वो गए फिर महागठबंधन उन्होंने मना लिया, 2024 में वापस एनडीए में वापसी। क्या है, तो लोटा नहीं होता कभी इधर कभी उधर। और प्रशांत में आपसे यहाँ बहुत एक मुहावरा तो है ना लोटे का, चाहूंगा नीतीश कुमार किस आधार पर फैसले लेते हैं, इतनी अल्टी पल्टी, क्या उनका वोट बैंक इतना इंटैक्ट है या, और एक भी बार मेरे ख्याल से एक भी बार उनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। हमेशा छोटे दल के नेता होके मुख्यमंत्री पद पर हार्ड बार्गेनिंग के चलते बार्गेनिंग, वही तो कह रही थी। कभी उनको लगता होगा कि देखते होंगे कि कितनी बार पलटा हूं मैं हाल के दिनों में, पता नहीं लोग ज्वाइन क्यों करवा लेते हैं उसके साथ। देखिए दीपक जी, आप भी नीतीश कुमार को बहुत बेहतरीन से जानते हैं, जब वो केंद्र में मंत्री थे उस समय से लेकर आप उनको जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मैं उनको जानता हूं, इसमें सीधे तौर पर यह है कि नीतीश कुमार का ईगो अगर कहीं हर्ट होता है वहां नीतीश कुमार एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2013 में जैसे ही वो अलग हुए थे एनडीए से, उस समय भी नरेंद्र मोदी को वहां पर जो गोवा में बैठक हुई थी उस बैठक में उनको वहां पर एक बड़ा पद दे दिया गया था। इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे क्योंकि नीतीश कुमार को ये लगता था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के जितने बड़े शिष्य नरेंद्र मोदी हैं उतने ही बड़े शिष्य नीतीश कुमार भी हैं। क्या काम किया उनका, हर्ट किया था और उसके बाद उन्होंने आडवाणी के सामने बिहार के लिए। उसके बाद जब वो एनडीए में आए तो उसके बाद भी ये माना जाने लगा कि नीतीश कुमार को कहीं से भी हर्ट नहीं करना है। बावजूद कुछ नेताओं ने, बीजेपी के कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार को हर्ट करना शुरू किया,
जिसके बाद से वो फिर अलग हो गए, आरजेडी के साथ चले गए, और 2022 में जो वो अलग हो गए हैं, इसके पीछे भी आप जब इस पूरे कारण के पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा नखरे करने आए हैं ये लोग देश की सेवा में। उस पद के लिए जब उनका नाम नामित नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, तो वहीं से उनके मन में खटापन आ गया था और उनके ईगो को हर्ट किया गया था। उन्होंने अपने रास्ते का कर लिया था, उसके बाद वो महागठबंधन में चले गए। एक बात और है, नीतीश कुमार को अगर ये लग जाए कि उनकी पार्टी या उनका अस्तित्व के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, तो भी नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो सीधे तौर पर उस व्यक्ति से या तो आजीवन नाता तोड़ लेंगे या फिर उस व्यक्ति के तरफ वो कभी देखेंगे नहीं। लेकिन अब जो नीतीश कुमार सामने आए हैं, जिसको कुर्सी से सबसे ज्यादा लगाव है, वो नीतीश कुमार 2020 में, जो दीपक जी आपको मैं पहले बता रहा था कि 2020 में जेडीयू ऑफिस के बाहर में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था कि नीतीश कुमार सबके हैं। लोग अभी भी ये मानते थे नीतीश कुमार को अपने हैं, उनके पार्टी के हैं, उनकी पार्टी के हैं, बीजेपी मानती है कि उनके पार्टी के हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसी के नहीं है, ये बीजेपी को भी पता है और आरजेडी को भी। देख लीजिए कितनी पलटी मारी है हमारे प्रोड्यूसर ने, अच्छा लिखा है नीतीश कुमार जलेबी, क्या लिखा है वो दिखाइए एक बार, क्या नीतीश कुमार कुछ लगा था, नीतीश कुमार जलेबी तैयार। अब नीतीश ने कब कब पलटी मारी, शुरू से दिखाइए ना, 2013 से दिखाइए प्लीज, और उल्टा ना चलाइए भाई, सीधा चलाइए ना, 2013 से कब तो अचल चलिए। 2022 में उन्होंने महागठबंधन के साथ थे, 2017 में महागठबंधन से अलग हो गए थे, एनडीए सरकार के सीएम रहे, 2013 में एनडीए से अलग हो गए, आरजेडी के समर्थन से सीएम रहे, ऊपर जा रहे, वापस जा रहे हैं, 1997 में समता पार्टी का गठन किया। देख लो बंदा, जहां उसको लगता है कि मैं बन पाऊंगा वो सीएम, वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और मैं तो कहती हूँ किसी भी पार्टी को इस ऐसे इंसान को ज्वाइन करके अपनी पार्टी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, पर पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है भैया, अपने तो समझ में नहीं आती। कहूंगा कि बिहार के लोगों को देखना चाहिए, वोट ही मत करो। मैक्सिमम कौन सा चीफ मिनिस्टर था उनका, मैक्सिमम जो मैक्सिमम था वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, उसको बाय बाय कर दो, उसको तो पक्का बाय, सेकंड मैक्सिमम उसके नीचे था उसको बाय बाय करो, उसके हिसाब से देखो कि अभी तक जो भी आया है उसने इतना बुरा कार्य किया कि स्टेट की हालत खराब है, बहुत खराब है, मुझे तो ये लगता। ऐसा बंदा लेके आइए कि 3 साल में आपकी स्टेट बढ़िया हो जाए, आपको नजर आए कि स्टेट बढ़िया होता जा रहा है डेली बेसिस पे, अगर नहीं होता देन तुम्हारा स्टेट वैसा ही रहेगा। यार जो इतना वो अपना ईगो में डूबा पड़ा है और देश की सेवा, मैंने पहले भी कहा था, जितने सारे बच्चों से पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, उनको बोलते हैं IAS IAS, उनको नहीं, लीडर बनो, लीडर बनके एटलीस्ट जो IAS होगा वो खुश रहेगा कि थैंक गॉड लीडर हमारा पढ़ा लिखा बढ़िया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तो, क्योंकि मुझे पता हो भैया ऐसे बंदे के नीचे मुझे काम करके जाके सल्यूट मारना हो, यस सर करना पड़ेगा, मैं कहूँगी मैंने तो बनना ही नहीं है भैया, मेरी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसको बात करने की ही नहीं है कोई मैनर्स, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई मैनर्स नहीं, गाँव का या पता नहीं देहाती टाइप का बातें करने वाले तरीके से, और हम पढ़े लिखे और मैं उसके अंडर कैसे काम कर सकते हो। और वैसे सोचो तो बड़ा ही दुर्भाग्य है अपनी कंट्री का कि ऐसे लोगों के, चलो आप पढ़े लिखे नहीं हो पर एक आपके अंदर वो एटिकेट्स और मैनर्स और वो भी आपको रिस्पेक्ट दिलवाते हैं, पर भैया ऐसे लोग जो हैं उनको हायर पोस्ट मिल जाती है पढ़े लिखे लोगों से, दैट इज रियली शॉकिंग अबाउट द सिस्टम। करेक्ट, बहुत ही शॉकिंग है, और ये हर जगह ही है, खाली यहाँ ही थोड़ी को ये वर्ल्ड में मोस्टली हो, ये हर जगह ऐसा नहीं है, बट इट इज बेटर। हाँ, तो इससे थोड़ा बेटर ही सिचुएशन होगी, पर कोई नहीं, जैसे जैसे हमारी कंट्री के लोग बच्चे जो है मोर अवेयर होंगे और एजुकेटेड होंगे तो वो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आपको दिख ही रहा है कि उन्होंने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया था संसद में और सब कुछ, तो समझदार इंसान तो कहेगा भैया हम तो इनको नहीं वोट दे सकते, देंगे ही नहीं। तो एनीवे, आप भी शेयर करना अगर आपको और कुछ डिटेल्स पता हैं कि ये किस टाइप के हैं, क्या कोई अच्छा काम किया है इन्होंने बिहार के लिए या कुछ, मैं फिर से पापा से डिस्कस करूँगी क्योंकि मेरे को उनके व्यू पॉइंट पता ही नहीं चले, बीच में ही बात कटी हो गई थी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।